सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु और मैं एक बार और आपके लिए पिथौरागढ़ के सुंदर पहाड़ों से एक और वीडियो लेकर आ रखा हूँ। तो आज का जो मौसम है ना, काफ़ी ठंडा है। हाँ, तो हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जाड़ों का मौसम ना पूरा, अभी देखिए बादल पूरे। आज सुबह तो बहुत ही ख़तरनाक मौसम हुआ था और थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर को बारिश भी हुई थी। अभी सूरज तो थोड़े से दिखाई दे रहे हैं और ठंडी की तैयारी के लिए जो है हमारी यहाँ लकड़ियाँ जो है यहाँ पर को हम लकड़ियाँ फाड़ के रख देंगे थोड़ी सी, जो कि शाम को जो है आग आग जलाने के काम आएगी। खाएगा बेटा? चार। कितने? चार, चार बेस्टी। ये क्या है, क्या हरा है, क्या बोलते हैं इसे, इसको क्या बोलते हैं? हेलेडू हेलो, संतरा है क्या है ये? संतरा है, संतरा, संतरा है। ऑरेंज है क्या है ये? ऑरेंज है। अच्छा, एक बार दिखाना तो ऑरेंज कैसा होता है। ऑरेंज खाओ तो एक बार, दिखाओ तो कैसा हो रहा है यार। तुझे मेरे को तो दिया ही नहीं फिर। आ, ठंडा हो रहा है ना। हैं, डांस कर रहा है। एक बार टोपी सही से पहनो फिर। चलो लेडू, तो थोड़ा बहुत मौसम जो है भी हल्का हल्का खुलने लग गया है। तो हम लोगों ने लकड़ियाँ फाड़ी थी ना, उसको हम स्टोर कर रहे हैं अपने गोट में जहाँ बकरियाँ वगैरह बांधते हैं। तो यहाँ इसको रख देंगे क्योंकि ठंडी काफ़ी अब बढ़ने लग गई है ना। तो ये यहाँ पर को बकरियाँ हमारी, और ये है हमारा बकरियों का गोट। मैडम खेतों से जो है राई तोड़ के ला रखे हैं और काफ़ी ला रखे हैं, ये देखिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि राई हमारी कितनी हो रखी है। बेटा राय की सब्जी खाओगे? ओके। राय की सब्जी कैसी होती है? ओके, खाते हैं आधी सब्जी ज्यादा, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर को जो है हमारे काले भटकी जो है आज हम चड़काने बना रहे हैं क्योंकि सुबह तो बहुत ही ज्यादा मौसम खराब था। और अभी चड़काने बना रहे हैं, भट पीस के बना रहे। तो आज हम जो है ना भट पीस कर बना रहे हैं, काले वाले भट जो है ये हमारे घर के भट हैं। और सुबह के टाइम पर ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और अभी जो है फिलहाल सूरज देवता के दर्शन हो चुके हैं, फिर भी बादलों के बीच में ही है। देखिए यहाँ पर को जो है सूरज देवता हैं और ये देखिए यहाँ पर को मौसम अभी पूरा ख़राब है। और ये यहाँ पर को हमारी मैडम जो है भट पीसते हुए। तो हमारा जो है भटका डुक्कू बन के हो गया है रेडी, ये देखिए। और मौसम अभी भी जो है ना वैसे का वैसा ही है, इसमें ज़्यादा मसाला वगैरह कुछ डाला नहीं जाता है, नॉर्मली सिंपल बनाया जाता है और आग में ही बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखिए डुक्कू हमारा बन के हो चुका है रेडी। और अभी जो है दिन के बज रहे हैं 1:30 और यहाँ पर को जो है मौसम देखिए बहुत ही ख़तरनाक हो गया है। अभी तो पूरा जो है मौसम पूरा देखो, ये पूरे काले काले बादल, ये देखो। तो यहाँ पर को अभी हम जो है अपने खेत में आ रखे हैं और जो है यहाँ पर को छोटे छोटे जो नारंगी हो रही है ना हमारी, तो उसको यहाँ पर को मैडम जो है थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि तोड़ते हैं। अरे यार ऊपर में उड़खा एक बड़ा सा दाना ना, लाओ मैं तोड़ देता हूँ, यहाँ लाओ। तो दोस्तों यहाँ पर को देखो ये
ये वाला जो है ना ये बड़ा सा दाना है शायद। अरे यार थोड़ा नीचे से पकड़ो दाने को, इसको पकड़ो ना थोड़ा नीचे से लकड़ी को। तो इस वाले को हम तोड़ेंगे। देखिए ये काफी बड़ा भी हो रखा है दाना, शायद इसमें फंस जाए यार। दूसरा नहीं है लकड़ी कोई, ऐसे निकल जा रहे। पकड़ो आ गया यार, नीचे तो नहीं चले गया। नहीं नहीं इसी में अटका होगा यार, दाना तो काफी मस्त था वो। ये मैं नीचे जाओगे गिरा तो यहीं पर को था, इस वाले यहाँ पर गई, यहाँ पर गई दिखा इसी वाले क्षेत्र में। नीचे तो नहीं पहुंच गया, बड़ा मस्त दाना था यार। मिल गया, ये नहीं था, ये नहीं था, इस वाले में देखो बस यहीं पर गए गई वो। यहाँ ये पे ये नहीं है यार, है तो यही दाना है, हरा दाना है। अरे यहाँ गया है, कह रहा हूँ दाना नहीं है, वही है कि जो सच में अभी देखना ताजा तोड़ा हुआ दाना वही है। निकालते हैं इसको, तो यहाँ पर कोई बिच्छू घास भी काफ़ी तगड़ी हो रही है, तो इसमें हाथ डालना भी बड़ा खतरनाक है। क्योंकि बिच्छू घास इन दिनों की लग गई ना तो इतना खतरनाक, समझ लो कि 2-3 दिन तक झंझनाहट नहीं जाती है इसकी। चलो निकालो तो वहाँ पर क्या, मेरे को दिख भी नहीं रहा है। निकालो तो, हाँ यही वाला था। तो ये देखो दोस्तों काफ़ी मस्त हो रखा है दाना, और अभी भी बहुत सारे दाने हो रखे हैं इसमें। पकड़ो पूरा, पकड़ो इसको, रुको रुको हाँ मैं पकड़ रहा हूँ, ये लो। तो यहाँ पर कुछ जो है छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी मीठे होते हैं, और लगभग लगभग शायद ये पेड़ ना बचपन से ही जो है मैं देखता आ रहा हूँ इन पेड़ों को। तो ये देखिए काफ़ी मस्त दाने हो रखे हैं, और थोड़ा इनको हम गर्म करेंगे और उसके बाद ही खाएंगे। और ये पेड़ में तो जो है ना अब थोड़ा फल आना कम हो गया है। बचपन में जिस समय हम यहाँ पेड़ में आते थे ना संतरा तोड़ने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा फल लगता था। तो अब निकलते हैं हम घर की ओर को। तो अभी जो है ना हम धारे में जा रहे हैं पानी भरने के लिए, आज जो है मेरी छुट्टी भी है, तो जो है हम जा रहे हैं धारे की ओर को अभी पानी भरने के लिए। क्योंकि इन दिनों क्या होता है ना धारे में एक खासियत होती है, जो पहाड़ के धारे जहाँ भी होते हैं ना, तो पहाड़ी धारों में ऐसा होता है कि ठंडी के टाइम पर ना गर्म पानी, और गर्मी के टाइम पर एकदम चिल्ड पानी, जो कि समझ लो कि फ्रिज भी फेल हो जाता है। तो हम पहुंचने वाले हैं धारे के पास, मैडम जो है आगे पहुंचे हैं। तो ये यहाँ पर को हमारा धारा, जहाँ पर को हम अब पहुंचने वाले हैं। और मैडम यहाँ पर को फोला वगैरह धोने में लगे पड़े हैं। जल ही जीवन, बहुत सही बात। तो ये है हमारा धारा, और हम आ रखे हैं अभी पानी भरने के लिए। और यहाँ का कुछ ये दृश्य, तो ये देखिए दोस्तों एक धारा ये है ना, और पानी देखिए ये कहाँ से आता है।
ये पानी आ रहा है, ये है पानी का स्रोत जो बिल्कुल धरती के अंदर से आ रहा है। देखिए ये देखिए, और यहाँ से हम लोगों ने जो है पाइप लगा रखा है, और देखिए इसके ऊपर पूरा क्या है ना, पूरा चट्टान है। और ये देखिए पूरे पेड़ पौधे हैं, ऊपर को पूरी बांजानी है, ये बांजानी का पानी है और बहुत ही मस्त पानी होता है। और सच बताऊँ तो ना, इस पानी को जैसे हम कहीं भी जाते हैं ना, तो मुझे वहाँ का पानी पसंद आता ही नहीं है। मैं कहीं भी जाऊँ और यही पानी जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है, पीने में भी स्वादिष्ट भी होता है, बहुत ही बढ़िया। तो पानी हमारा बह चुका है और अब हम निकलेंगे घर की ओर को। तो यहाँ पर को मैडम ने जो है फोला पकड़ा हुआ है, और मैं जो है यहाँ पर डुक्का पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैडम ने खेत में जो है परछा डाला था ना, तो यहाँ पर को ये ले जा रहे हैं फोला और मैं ले जाता हूँ डुक्का। कैसे खा रहे हो? ले ले ले, खरगोश खिला दिया तूने? खिलाओ फिर खिलाओ। ए मुर्गी भी आ गई रे, मुर्गी भी आ गई ना, ना देना मतलब रात दिया अंडे। अच्छा आज यार भीतर दे रहा पार्टी दिया आर, ये गुड़िया बेटा तुम भी चलाओ गाड़ी चलाओ। यहाँ पर को ना डैडू जो है आज, इसकी मम्मी घर पे है नहीं, तो मेरे को ही देखना है, तो यहाँ मैं बच्चे के साथ खिलवाने के लिए ला रखा हूँ। वाह हाँ, ऐसा मुंह बना बजे कैसा होता। चलो गाड़ी चलाओ ना, फिर गाड़ी चलाओ यार, वहां नहीं कह रहा हूँ मैं, चले जाऊंगा घर को, फिर घर को जाऊं मैं, वहां नहीं, वो मारेंगे ना वो लोग, मारेंगे यहाँ इतनी चाहो मारेंगे आप, फिर गिरेगा यहाँ। इसमें बैठो तुम, यहाँ से चलाओ गाड़ी, आ जाओ इसमें बैठो, यहाँ से गाड़ी चलाओगा, कैसे चला दे गाड़ी ऐसे? हाँ वाला तो ठंडा ना आज दिन भर इतना ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा, जैसा कि पहाड़ों में होता है ना, कोहरा तो ज़्यादा नहीं रहता है यहाँ पर को, लेकिन एक ठंडा जो रहता है ना, तो बारिश अगर दो चार दिन यहाँ पर को बारिश अगर होगी दो तीन दिन, तो बर्फ़ यहाँ पर को गिर जाएगा। तो अभी भी जो है मौसम पूरा सा खराबी है, ये देखिए काले बादल अभी भी छाए हुए हैं, और ये लगभग लगभग शाम का समय है, अब करीब 5 बजने वाला है, 5:15 लगभग हो गया है शायद, ये देखिए, और पूरा मौसम ऐसा हो रखा है अभी भी, और काफ़ी ठंडा हो रहा है अभी। तो शाम के जो है अब यहाँ पर को करीब 4:30 हो गया है, और अब 5 बजे से जो है हल्का हल्का अंधेरा टाइप का होने लग जाता है। तो यहाँ पर को देखिए मौसम अभी भी ख़राब ही है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर को समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।